अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी अभी मैं सुबह का टाइम तो नहीं है, समझ लें कि 11-12 का टाइम है, और ऐसे ही ज़ाहिर है बच्चों की छुट्टियां हैं तो फिर लेट ही हर कोई नाश्ता करता है, मैं अभी लेट ही करती हूँ। तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि मैंने कल बनाए थे करेले गोश्त, और मेरी बेटी को करेले गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कह रही थी मम्मा मैं तो करेले गोश्त खाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि बहुत कम सालन है जो कि वो बड़े शौक से खाती है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको बना देती हूँ। तो बस इसलिए मैंने छोटी सी, मेरे पास मिट्टी की एक परात है तो मैं उसमें ही आटा गूंदती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसमें आटा गूंदना। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और मैं नए नए काम किचन का सीख रही थी तो अम्मी कहती थी कि इसमें आटा गूंदो, बड़ा अच्छा गूंदा जाता है। तो बस मैं गूंद रही थी और मैं साथ के साथ ही उसको धो के रख लेती हूँ। और ये जो सफाई वाले या डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं तो मैं इनको धो लेती हूँ साथ साथ ही, क्योंकि फिर ज़ाहिर है ये तो डेली ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, डस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो मैं फिर साथ के साथ ही धो लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए उनको धूप में जो है वो फैला देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं, फिर दूसरे जो है ना 2-3 मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह ये सिलसिला तो खैर चला ही रहता है। और करेले जो हैं मैंने फ्राई पैन में गर्म होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि कल कहा था मेरा माइक्रोवेव ओवन जो है वो काम नहीं करता, कभी करता है कभी नहीं करता। तो मुझे कल एक कमेंट आया था कि आपका इसलिए काम नहीं करता क्योंकि आपकी बिजली का कोई इशू होगा, मतलब वोल्टेज कम होते हैं तो फिर वो नहीं चलता, वोल्टेज ज़्यादा हो तो फिर वो चल पड़ता है। तो मुझे उनका पॉइंट बड़ा समझ आया, मैंने कहा हाँ ये हो सकता है कि जब वोल्टेज कम होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो वाकई बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम है, एसी भी ऐसे चलते हैं कि बस कभी चल पड़ते हैं कभी नहीं चलते, और पंखे भी उसके 3 पर जो ना वो गिन लो कि 1, 2, 3 ये जा रहा है, इतने कम वोल्टेज होते हैं। तो बस क्या कहें, ये तो गर्मी के तोहफे हैं भाई, ये तो चीज़ें हैं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, और जो चकोर पराठा नहीं, मेरी बेटी को बड़ा पसंद है तो बस उसको मैं दे दूँगी, और बस मैं भी थोड़ा बहुत जो है ना वो खा लूँगी। अच्छा, जब भी मैं रोटी पर सालन रखती हूँ ना, मुझे कमेंट्स आते हैं 1-2 कि आप रोटी पर सालन क्यों रखती हैं। तो हमारे यहाँ ये खाया जाता है ख़ास तौर पे नाश्ते में, पराठे के ऊपर जो सालन रखा हुआ होता है ना, उसमें सालन का टेस्ट भी और हो जाता है और पराठे का टेस्ट भी और हो जाता है, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है। तो बारा जी, यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली थी और अब मैंने स्लैब वगैरह चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर लिया है। हल ही नहीं आया। तो हमारा जी एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेट्रो से मैं चीज़ें मंगाती थी तो उनका कुछ एरर का आ रहा है, जेजब से मैंने कल मंगाई है पता नहीं आज आती है नहीं आती, और मुझे चीज़ों की भी सख्त ज़रूरत है, और हो सकता है कि मैं आज जाऊँ कुछ ग्रॉसरी लेने, कुछ सामान लेने, हो सकता है मैं जाऊँ। अभी आप देख रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी मैंने दरवाज़ा खोला है कि रोशनी आ जाए और मैं कुछ वीडियो बना लूँ, क्योंकि लाइट नहीं है, और फ्लाइट अब आएगी 1:30 बजे, 12:30 से 1:30 बजे की होती है और फिर रात में भी होती है। इधर मैंने कीमा निकाला हुआ है, मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी चपली कबाब शाम को बनाऊंगी। अम्मी जो आई हुई हैं वो सो रही हैं, और बस मैं थोड़ी देर तक मिलती हूँ, अभी मैं ज़रा बैठ के पानी पी लूँ। मैंने रात को चेज़ब वाली एप्लीकेशन डाउनलोड की और वहाँ से मैंने फिर कुछ चीज़ें ऑर्डर की जो कि आ चुकी थी, आज मुझे डिलीवर हो गई थी और मैं उनको खोल रही थी, क्योंकि मेरा मसला ये होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास ड्राइवर हर वक्त नहीं होता, मुझे जब ज़रूरत होती है तो फिर मैं उसको बुला भी लेती हूँ, बट वो भी सम टाइम बिज़ी होता है, नहीं आ सकता। तो ये खैर मेरा काफ़ी इशू है जो कि चलता रहता है, तो मैं फिर किसी ना किसी तरह मैनेज मुझे फिर करना पड़ता है। जब आ जाता है, अवेलेबल होता है तो फिर मैं ढेर सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ, जब नहीं होता तो फिर मैं इधर उधर कभी किसी को कहे तो कभी हस्बैंड आ जाते हैं तो उनके साथ चली जाती हूँ। तो बहरहाल जी, मैंने यहाँ पर चीज़ें मंगा ली थी, पत्ती मंगा ली थी, कुछ मैंने स्पेक्टिस मंगा ली थी,
कनौर मैगी वगैरह ये मंगा लिए थे, और काली मिर्चें जो है ना वो ख़त्म हो गई थी वो मैंने मंगा ली, और ये बिस्किट मंगाए हैं, कुछ मुझे डिज़र्ट बनाना है ईद के लिए, और क्रीम मंगाई है मैंने, बेसन ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने इस तरह की चीज़ें मंगा ली हैं। वैसे लाइट होती तो है, हमारे UPSP है सारा सिस्टम है, लेकिन आपको पता है कि जब तक लाइट उस तरह नहीं होती प्रॉपर वाली तो AC नहीं चलते हैं, लाइट्स कम से कम चलानी पड़ती हैं, और आपको पता है व्लॉग के लिए कितनी लाइटिंग की ज़रूरत होती है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो बहरहाल ये है जी शाम का टाइम, और मैंने सोनिया से कहा बेटा चाय बना दो, और मेरे सर में गर्मी से बहुत शदीद दर्द हो रहा है। क्या सोच से लाऊं, तो ये मुझे मनाल की बर्थडे पे गिफ्ट हुआ था, तो है तो बड़ा प्यारा, कलर भी बहुत प्यारा है, और शिफॉन का दुपट्टा है बड़ा खूबसूरत सा, शॉकिंग पिंक कलर में। मैं सोच रही हूँ यही स्टिच करा लेती हूँ ईद पे, ये मेरी बहुत ही ख़ास दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है। मैं आपको शर्ट खोल के दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके साथ ये पैच भी है बड़ा प्यारा सा, और आई थिंक ये बैक साइड है, बहुत प्यारा जोड़ा है, जिसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, चुनरी टाइप है पैनल में। सोच रही हूँ ईद पे ये सिलवा लूँ, और जो मेरी नन ने दिया था वो भी सिलवा लूँ। शाम का टाइम है, सोचूं इसको श्रिंक कर दूं कपड़ों को ना, ताकि सिलवा सकूं। एक सूट ये सिलवा लेती हूँ, उस तरह का है, और एक रेड में। राजपरी का है, राजपरी का सूट है, और ये किस तरह से है, आई थिंक ये इसके स्लीव्स है, ये इसकी बैक साइड है, ये इसका फ्रंट है, नहीं ये इसके स्लीव्स हैं, चिकनकारी का काम है ऊपर, और इसका ये दुपट्टा है, और सिल्क में दुपट्टा है, चाइना सिल्क में दुपट्टा है इसका, और ये इसके ना पैच लग रहे हैं मुझे, और ये इसका अच्छा, ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसके स्लीव्स पे लगेगा पैच वाले में, इसलिए थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। इसका प्लेन ट्राउजर है, ये इसका दुपट्टा, और ये इसकी फ्रंट साइड है, ये वाली इसकी ना फ्रंट साइड है। और मुझे कुछ समझ वैसे आ नहीं रही थी, बाद में मैंने पिक्चर्स देखी तो मुझे समझ आ गई। तो मैं मेरे पास गिफ्ट्स असल में काफ़ी रखे हुए हैं सूट्स, तो इन दोनों में से अभी तो मैंने फ़िलहाल यही चूज़ किए हैं, क्योंकि एक मेरी नंद ने दिया है और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने दिया है, तो मैं यही स्टिच कराऊँगी, और मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। और बेटी के भी मेरे पास ऑलरेडी गिफ्ट्स के ही सूट पड़े हुए थे, तो उसके भी मैं स्टिच करा लूँगी। तो अभी तो मैं यही काम शाम में बैठ के करी थी, और क्योंकि मैं इस टाइम अकेली थी तो मैं वीडियो जो है ना पता नहीं सही बनी है नहीं बनी, लेकिन शायद सही बनी है, शुक्र है। तो बस मैं अब बाकी के काम जो है ना शाम के वो कर लूँगी। अभी जी मैं बना रही हूँ चपली कबाब, और मैं चिकन के कीमे के साथ बना रही हूँ। मैंने 1 kg लिया चिकन का कीमा, और ये जस्ट मैंने अभी ताज़ा मंगवाया है। इसके अंदर मैंने 2 प्याज जो है ना बारीक चॉप करके, ये मैंने चॉपर में ही पीस लिए थे, बड़े अच्छे चॉप हो जाते हैं, बारीक पीस के ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़े से ज़्यादा चॉप्ड हैं लेकिन ऐसे ही मुझे लगता है कि सही रहेंगे। इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है ना 6-7, ये ज़रा मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने साइड पर कर ली, 6-7 मैंने बारीक पीस के ना वो भी ऐड कर दी।
और ये ग्रैनीज किचन का है जी चपली, पिशावरी चपली कबाब मसाला। इसमें आपको और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये मसाला डालें। इसमें मकई का आटा जो होता है वो भी है, मसाले भी हैं और बड़े ऑर्गेनिक बेहतरीन मसाले हैं। आप मंगा के इस्तेमाल करके देखें, आप कहेंगे कि वाकई नादिया आपने सही चीज़ रेकमेंड की है। अच्छी तरह से मैं इसको मसल लूँगी। अच्छा हुआ क्या कि मैंने निकाला था मटन का कीमा, और वो भी मैंने एक दिन पहले ही मंगवाया था, बिल्कुल फ्रेश था। मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया डीफ्रॉस्ट करने के लिए। मैंने उसको ना बाहर निकाल के रखा 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद जब मैं गई हूँ चपली कबाब बनाने, तो इसमें इतनी बुरी स्मेल थी कि मैंने वो फेंक दिया। और अच्छा मैंने यहाँ पे ना सब्ज़ धनिया भी डाल दी हैं थोड़ी सी। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी देसी घी के, क्योंकि चर्बी इसमें डालनी है और चर्बी मेरे पास थी नहीं। तो चिकन का कीमा आपको पता है कि चर्बी के बगैर होता है, तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक लेस ही बन जाए, और आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पर रख देना है। तो जी मैं वही सोच रही थी कि मटन एक तो इतना महंगा और ऊपर से ख़राब भी हो गया, तो मुझे चपली कबाब बनाना जो है ना इस दफ़ा काफ़ी महंगे पड़ गए हैं, मेरा नुकसान हो गया। तो इसलिए मैंने फटाफट जी चिकन का कीमा मंगाया, और मैंने कहा मैं ताज़ा ही बना लूँगी इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, मैं फ़ौरन बना लूँगी। अच्छा जी मैंने यहाँ पे प्लेट में बना के पहले रख लिए हैं, और हाफ़ में इस वक्त बनाऊंगी, हाफ़ में फिर कभी किसी दिन बना लूँगी चाय के साथ। और बहुत मज़े के बने थे, इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के। हालांकि मैंने इसमें एग भी आपने नोट किया कि नहीं ऐड किया, वो मैंने वैसे ही नहीं ऐड किया, मैंने कैसे बना के देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त बने थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। आप देखिएगा मैं किस तरह फ्राई करती हूँ, और साथ में पानी जो है ना, इतनी प्यास लगती है आजकल, इतनी प्यास लगती है, और पानी पीना भी ज़रूरी है भाई, पानी बहुत पिया करें, अपने आप को हाइड्रेट रखा करें। अच्छा यहाँ पे मैंने जी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि ये अगर ऑयल में फ्राई होते हैं ना तो फिर ये ड्राई ड्राई नहीं रहते, बड़े मज़े के बन जाते हैं। तो मैं 8 अभी फ्राई कर लूँगी, और बाकी जो है ना मैंने मिक्सचर जो है ना फ्रीज़र में रख दिया। फ्रिज में भी नहीं रखा क्योंकि कोई पता नहीं होता भाई ख़राब हो जाए, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है, वो किसी और दिन बना लूँगी। तो मैं 8 ये जगह बना के इनको घुस घुसा के मैं 8 इसको मैनेज कर ही लूँगी और फ्राई कर लूँगी। और 3 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई किए थे, 3 मिनट दूसरी साइड से फ्राई किए थे, और देखें एग के बगैर भी कितने मज़े के बन चुके हैं। इसका लिंक जो भी है मैं पिन भी कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, इनका व्हाट्सएप नंबर भी ग्रैनीज किचन का, तो आप वहां पे जाके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा थोड़े थोड़े ना मैं फोक से इसे थोड़ा थोड़ा प्रिक कर रही हूँ, ताकि अंदर तक जो है ना कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। बस ये डन है, और अब जो है वो अब शाजी आपको बताएगी खा के कि कैसे बने हैं। You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The fuzz is pulled. तो अभी मैंने चपली कबाब जो है वो बना लिए हैं, और यकीन करें इतने सॉफ्ट बने हैं। कैसे बने हैं बताओ, शाजी बताएगी कैसे बने हैं। वैसे पता क्या मुझे हैरत हुई कि कोई भी मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। हाँ परफेक्ट टेस्ट है, और बिल्कुल हार्ड नहीं हुए हैं, और हार्ड बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, बड़े सॉफ्ट बने हैं। अच्छा मटन में भी है बड़ा से। तो जी यहीं पे जाऊंगी मैं, आपसे इजाज़त मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी, बाय 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 बाय।